उसे यही पता होना चाहिए कि उसकी माँ के साथ जुल्म हुआ। खिजर शादुलों के साथ उसके ताल्लुकात हैं, मीरान को नहीं मालूम होना चाहिए। तुम हरगिज एक लफ्ज इस बारे में नहीं कहो। अगर तुमने एक इशारा भी इस बारे में दिया तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मीरान तुम घर नहीं आए, मेरी कॉल्स तक रिसीव नहीं की तुमने, ऐसा क्यों किया बताओ? जब मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं तो मुझसे भागते क्यों हो? क्यों दूर जाने की कोशिश कर रहे हो तुम? रेहान, मैं तुम ऐसा कभी नहीं करोगे मेरे साथ। चाहे तुम खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लेना लेकिन मुझसे मत करना। रेहान, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं, तुम भी नहीं हो। और इसकी वजह सिर्फ मैं हूं। हम दोनों का यह हाल मैंने किया है क्योंकि उन पर यकीन किया। जो भी बात है मुझे बताओ, अकेले मत सहो ये सब। उसे यही पता होना चाहिए कि उसकी माँ के साथ जुल्म हुआ। खिजर शादुलों के साथ उसके ताल्लुकात हैं, मीरान को नहीं मालूम होना चाहिए। तुम हरगिज एक लफ्ज इस बारे में नहीं कहो। अगर तुमने एक इशारा भी इस बारे में दिया तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दादी जान ने उस किसान को ढूंढ लिया था रेहान। कैसे? अब तुम्हारी दादी जान उसे भी? नहीं, डरो मत। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। सच को किसी ने भी नहीं बदला है, दादी ने भी नहीं, ना बदल सकती है। मैंने दादी को किसान के साथ बात करते देखा। क्या बातें कर रही थी, तुमने सुना? सुना मैंने, सब सुना मैंने, हर बात सुनी मैंने। दादी जान, मेरी दादी रियान, मेरे लिए इस बात को बताना बहुत मुश्किल है, यहां तक कि शर्मिंदगी हो रही है मुझे। हम हस्बैंड वाइफ है मीरान, ऐसी कोई बात नहीं जो तुम मुझे बता नहीं सकते हो। बताओ मुझे, कैसे बताऊं? मुझे नहीं पता रेहान, बिल्कुल। बस कह दो जो सुना है। रेहान, मैंने ये बातें तुम्हें बताई हैं लेकिन तुम्हारे अब्बू को नहीं बता सकता। सिर्फ दादी जान के इस झूठे इंतकाम के लिए मैंने अपनी मरी हुई अम्मी पर कोई बात नहीं करवा सकता। रियान, इन बातों को अपनी हद तक ही रखना प्लीज। दादी का इन घटिया बातों का करना मेरे लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस है। ठीक है, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी। तुम इस बारे में बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? उन्होंने जब वहां झूठ बोला तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अंदर जाने वाला था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को कंट्रोल किया और अंदर नहीं किया। अब मैं असल बात पता लगा कर रहूंगा रियान, और फिर उसके बाद जिसने गोली चलाई है उसका भी पता लगाऊंगा मैं। उस दिन तक बर्दाश्त करूंगा बस मैं।
बर्दाश्त करना होगा। मैं साथ हूं। कुछ देर यहीं पर रुक जाएं हम।